कैसी लग रही नींद तुम्हें? ठीक हो गल लगते हैं आया जाता तुम लोग पत्थर पीसने सुने वाला उठा लो तो काम जल्दी चालू कर लिया छोटे पत्थर उठा ला है कहाँ पे बता दे वो ही रखा सामने चौकी पूछो कितनी देर हुई तुमको काटे हुए सांप को अबे बिल्कुल कहाँ देर हुई आधा घंटा अभी लग कैसा रहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अरे यहीं पे रखे यार पत्थर पत्थर आ रहा मम्मी छोटू पूछ ले छोटू बता दे पत्थर छोटू पूछ ले ये देखिए ब्लैक ब्लैक ब्लेड देख सकते हैं दिखाइए जा ये चलो ढूंढो देखो क्या हो गया रोना हो गया क्या कुछ कर रहा है चलो भाई बेटा दूर रहो थोड़ा दूर रहो उसको जो यहाँ पे स्टॉप करना कैसे होगा ये नीचे रोका जाएगा ये मिला ये दवा सुन जैसा हाँ जी ठीक ये देखिए सुंघाने वाली दवा इनको सुंघाई जा रही और बहुत देर से सुंघाई जा रही इसलिए ये नॉर्मल है क्या नाम है तुम्हारा राकेश कुमार कहाँ से आए हो टेंगुआ से आए हो ये देखिए सफेद दवा जो हम लोग अक्सर बताते हैं ये लगाने के बाद आप देख सकते हैं काला काला ब्लड आ रहा है लेड भी आ गई है चलो मोबाइल बंद कर दे भैया ब्लड आ गई और ये देखिए पाताल मणि पीसने के लिए तैयार है बिल्कुल पानी का असर रस्सी पर नहीं और पानी का असर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हाँ वो यार चाचा से पूछ लो रसीद से पहले उनको चाहिए 2 किलो फोन करके फहीम से पूछो उन्हें बचा जाओ तुमने क्या देखा था ये बताओ आप देखो कैसे देखो तो सांप इतना बड़ा कूटा है फिर काट लो लौकी साफ कर रहे हैं सुनो खेत माते चौड़ा फन करके काटो ना आ वैसे काट छोटो हाथ तो इतना बड़ा है गले था गले था तो आंकड़ा था गले था तो तुमने देखा था काटते खून निकला था फिर क्या करे बंद बांध दिया कई बंद बंधे 2-3 किसने बताया था बंद बांधने के लिए पापा आते भैया लोग सब लोग होते ना चलो ठीक है ये जागरूकता बहुत अच्छी है आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी को भी स्नेक व्हाइट हो तो सर्वप्रथम उसको बंद बांध लेना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिएगा अगर ये सही रहेगा अब ये देखिए पाताल मणि और इसके साथ जो हम मिला रहे हैं इसे कहते हैं फिलफिल स्या यानी कि काली मिर्च अब ये जो आप देख रहे हैं ये पाताल मणि है काली मिर्च के साथ पीसी जा रही है और ये देसी घी जरूर लेकर आए कोई भी सज्जन हो अगर किसी को भी स्नेक बाइट हो तो ये देसी घी लाना उसके लिए बहुत जरूरी है कचोटरा से आएगी टेंगा टाइम टाइम से बंद कर लिया करो चला लिया करो ऐसे ना बना सीधी बना बंद कर दे पीसते मिले ले रहे ये है दोस्तों पाताल मणि आप लोग जो अक्सर पाताल मणि क्या यही है पाताल मणि
और अब हम लोग इसको घी में मिलाकर मरीज को पिलाएंगे और आप देखिएगा कितनी जल्दी। पहली बात तो मरीज को कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी तो आप यही कहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, समझ रहे हो। ताल मणि पिस करके रेडी हो गई और अब आपके सामने घी को गर्म किया जा रहा है और ये पाताल मणि घी में डाल करके पिलाई जाएगी। और कुछ मरीजों से भी इंटरव्यू ले सकते हो आप, इससे पहले कितने मरीज आए क्या है हम ले लेंगे बात। सब पी जाओ, मैं घी और दवा से। और दवा को घुटक के आराम से थोड़ी थोड़ी खाते जाओ भाई, थोड़ी थोड़ी खाओ, दवा को चबा के पीते जाओ, दवा भी ले साथ में, उसको रसिया रसिया के खाओ, नहीं एकदम तो घुस जाए इनके गले में, खाओ ना पाए, चबा के खाओ, जैसे तुमसे बना उसे खाओ, फंदा ना लगे उसको, धीरे धीरे चबा के खाओ। ये देखिएगा ये पाताल मणि इस तरीके की होती, इसको एक मरीज को हम लोग इतना पीस के खिलाते हैं, और फिर जहर के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज को जहर कितना है। इस मरीज को जहर कोई खास नहीं है इसलिए इसको कम डोज दिया गया है, और अगर मरीज को जहर ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा डोज दिया जाएगा। दोस्तों पता नहीं कि आपका भी छोड़ी, ये देख लीजिएगा ये दवा जो है हम लोग लगाते हैं, जानते हो कहाँ पर, जख्म में चीरा लगाने के बाद। ये सब सामान उठाओ, उधर महिला चूंकि बारिश का मौसम है, कीड़े चारों तरफ गिर रहे हैं, इसलिए इस बंदे को यहाँ पर रोड पर बैठाला गया हुआ गया है। और ये हमारे समद भाई हैं, ये समद भाई हैं जो कि इलाज करते हैं सांप का, और बहुत पुराने यहाँ के, करीब कितने दिनों से कर रहे हैं अपन इलाज, 45 साल से करीब यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, और हम भी इनके साथ में इलाज करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि ना कोई गुरु है ना कोई चेला, सब अपने आप में उस्ताद है अकेला, क्यों भाई। और ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा, राम प्रताप। इससे पहले भी मरीज आए तुम्हारे यहाँ पर, 250 मरीज आ चुके। तो क्या किसी मरीज से आज तक पैसा लिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं लिया ना। अच्छा इधर खड़े, तो ये मरीज जो है वो कौन है आपका? अरे लगता है भतीजे भाई लगता है, बुआ का लगता। तो जितने भी मरीज आए हैं सब सही होके गए? सब सही हो गए। अच्छा कोई मरीज, आपका कौन है ये? मेरा भाई है। भाई है आपका, कहाँ के रहने वाली हैं आप? गंगा से। इससे पहले भी मरीज आपके गांव के आए हैं? हम लोग खुद आए हैं सा भैया, हम तो कभी कोई एक रुपया पैसा कौड़ी या किसी भी तरीके का। देखिए भाइयों यहाँ पर निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है फ्री, और जितने जितने लोग हमारा चैनल देखते हैं मैं उनको कसम देता हूँ, अगर हिंदू है अगर उसने सालक एक भी रुपया लिया तो समझ लो उसने गाय माता का गोश्त खाया है, और अगर मुसलमान लेता है तो उसने सुअर का गोश्त खाया, याद रखना। तुम कहाँ से आए बुआ? मरीज के साथ आए। अच्छा कौन है तुम्हारे? मामू है। इससे पहले भी मरीज आते हैं यहाँ? पैसा कौड़ी कोई हम लोग तो नहीं लेते हैं कोई चीज़ में। आप बताएं। नहीं पैसे नहीं लेता भाई, मरीज जब ले आए थे तो ठीक हो गया, कोई पैसे नहीं। अभी तक कोई मरीज तो बिगड़ा नहीं आपका? कोई नहीं बिगड़ा है, और इलाज बिल्कुल फ्री करते हैं ना? फ्री करते हैं, कोई पैसे नहीं, और तत्काल देखते हैं। किसी प्रकार कोई हिंदू मुस्लिम का पक्षपात तो नहीं किया जाता है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। अब ये देखिए काफी समय हो गया था इसलिए इस मरीज का बंद खोलने का वक्त आ गया है, तो एक बंद धीरे धीरे करके नीचे का थोड़ा हल्का किया जा रहा है।
महोदय आप कुछ बताएंगे? अरे बोल तो दीजिए कुछ, बताएं आप। आपका नाम? मनीष। तो मनीष जी, यहाँ पर आपको मालूम पड़ा होगा कि यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ का ट्रीटमेंट होता है? तकरीबन 15 साल से। आप जानते हो 15 साल से? आपकी उम्र कितनी है? 25। 10 साल बाद आपको मालूम है यहाँ ट्रीटमेंट होता है, जबकि कम से कम 50 साल से होता है यहाँ ट्रीटमेंट। अयाज भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में कुछ? ट्रीटमेंट यहाँ बहुत बढ़िया होता है और जो भी मरीज आते हैं वो सेफ, उनकी मतलब लाइफ सेफ हो जाती है, ऐसा नहीं। और किसी तरह का कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बताइए तुमको पहले से अच्छा लग रहा है? दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है? अच्छा, वैसे तो दोस्तों ये सूंघने वाली दवा इस इलाज के लिए काफी है मेरे भाइयों, लेकिन कभी कभी ये जरूरत पड़ जाती है कि आदमी को दवा खिलाना भी पड़ती है, तो मर्ज ज्यादा ना बढ़े यही देखते हुए दवा खिला भी दी गई है और सूंघाने का कार्य जारी है। सूंघो सूंघो दवा, सूंघो, दिखाओ दवाई को। ये देखो दवा को इस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा ठीक है ना, इस तरीके से। अगर कोई भी पेशेंट आए जो लोग सूंघने वाली दवा पहचान गए तो दवा को इस तरीके से मसल करके सूंघाते रहिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल और इस तरीके के रिलेटिव बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे। ये देखिए दोस्तों, अब ये समद भाई है हमारे, दोस्तों देखिए इस तरीके से बंद आपको बांधना है, गौछे से, रुमाल से, जिससे भी पाए, पतली चीज से मत बांधे, हमेशा बंद को मोटी चीज से बांधना चाहिए मेरे भाई। अब ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है, अब कुछ प्रोसेस बाकी हैं जैसे कि बाथरूम करवाना, उसके बाद हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार। आप कैसे हैं? ठीक है, दवा सूंघ रहे हो? देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इनको उन्होंने देखा था कि सांप ने काटा है और अभी पूरी तरीके से ठीक है और आपको नींद भी पहले से कड़वी लग रही, कोई तरीके से भारी भारी पन शरीर में या कुछ? कहाँ के रहने वाले हो? कहूंगा आप उस्ताद, समझ उस्ताद उनको कहते हैं, हम लोग इनकी टीम में हैं और बराबर ये इलाज करते हैं, यही अमरोधा गांव है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सांप बिच्छू की, तो हमारा एक नंबर है, लिख लीजिएगा, 94-5147-9641। और अगर समझ भाई से बात करनी हो तो अपना नंबर आप बता दें। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं आ रही, बिल्कुल मतलब किसी ने को किसी ने किसी भी प्रकार के कोई पैसे की डिमांड तो नहीं की आपसे? आज तक इतने मरीज आए, यहाँ पर काफी मरीज आते हैं, कभी भी यहाँ पर कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इधर उधर ना भटक के क्षेत्रीय आदमी जो है अमरोधा सीधे आए, समद भाई के पास आइए जो खड़े हुए हैं और है यहाँ पर, मैं भी इलाज करता हूँ साथ में इनके। तो नंबर मैंने बता ही दिया, अपना नंबर भी बता दो आपका। 44-88-96। हाँ दोस्तों, तो इनका भी नंबर है, इनसे भी सलाह ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही कोई पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, हालांकि ये पेशेंट कोई खास सीरियस नहीं था, लेकिन सीरियस हो ना हो, दवा यही चलाई जाती है, यही दवा चलाने का प्रोसेस है और यही दवा खिलाई जाती है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपको क्षेत्रीय लोगों का पता बता दूं, जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले भाई हैं, तो यह है ग्राम पोस्ट अमरोधा, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए एक दफा फिर नंबर ले लें, 94-5147-9641। तो दोस्तों देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है।